हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, यानी कि हमने लास्ट क्लास में आपको दो टाइप के हाइड्राइड बता दिए थे। पहला था आपका आयोनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, जिनको स्टोइकियोमेट्री हाइड्राइड यानी कि रस समीकरण मितीय हाइड्राइड भी कहते हैं। दूसरा था बच्चों आपका कोवेलेंट हाइड्राइड, जिसको हमने आपको बता दिया था कि कोवेलेंट हाइड्राइड जो हैं इनको हम सहसंयोजी हाइड्राइड हिंदी में कहते हैं। और इन हाइड्राइडों के अंदर हमने आपको बताया था कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, और वो तीन टाइप के होते हैं। और आज हम तीसरे टाइप का हाइड्राइड यानी कि मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड यानी कि धात्विक हाइड्राइड या अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड। तो बच्चों, आज इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली, मोस्टली फाउंड बाय डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये जो हाइड्राइड हैं वो सामान्यतया डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले, जो डी ब्लॉक या ए ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ये हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मोस्टली ये जो हाइड्राइड हैं बच्चों वो डी ब्लॉक वाले तत्व और ए ब्लॉक वाले तत्व बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहाँ आता है। बच्चों, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 से लेकर, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपका ग्रुप है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक आते हैं। और नीचे पीरियोडिक टेबल में दो लाइन दी होती हैं बच्चों, वो ए ब्लॉक में आती हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम बच्चों ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं, उसमें कुछ अपवाद भी हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। और ए ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व यानी कि इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं बच्चों। तो इन ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट है वो ये टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, वो ये कि ग्रुप नंबर 7, 8 और 9, ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 वाले जो तत्व हैं डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, वो इस टाइप का हाइड्राइड नहीं बनाते। ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9, यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको नज़र आएगा ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9 वाले जो एलिमेंट हैं वो कभी भी हाइड्राइड नहीं बनाते। लेकिन ग्रुप नंबर 6 के अंदर जो क्रोमियम आता है बच्चों, वो ये हाइड्राइड बनाता है, बाकी नहीं बनाते। तो ओनली क्रोमियम इन ग्रुप 6 फॉर्म्ड क्रोमियम हाइड्राइड। तो जो क्रोमियम है वो आपका बच्चों, जो क्रोमियम है वो आपका इस टाइप का हाइड्राइड बना देगा, बाकी अदर नहीं बनाएंगे। अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता की बात करते हैं, तो ये जो हाइड्राइड होते हैं वो बच्चों चालकता तो दर्शाते हैं, लेकिन इनकी जो चालकता होती है इनके मात्रक तत्व से क्या होती है बच्चों, कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे ये क्रोमियम हाइड्राइड ही मान लो, एक एग्ज़ाम्पल यही ले लो, तो जो क्रोमियम हाइड्राइड है इसकी चालकता क्रोमियम से कम होगी। इसका पेरेंट मेटल कौन है? क्रोमियम। तो इसकी चालकता क्रोमियम से कम होगी, यानी कि मेटल से कम होती है इनकी चालकता। इन हाइड्राइडों की चालकता इनके मेटल से, इनके धातु से क्या होती है? कम होती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ दीज हाइड्राइड लेस देन देयर पेरेंट मेटल। चालकता किस किस की? हीट की चालकता यानी कि ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, चालकता कोई सी भी हो वो इन हाइड्राइडों की कम होती है इनके मात्रक तत्वों से। ठीक है, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ये बच्चों नॉन अरस समीकरण मिति हाइड्राइड होते हैं। देखो बच्चों, अरस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है कि आप अब तक जो भी हाइड्राइड बना रहे थे वो ऐसे बना रहे थे NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड, इसमें सोडियम 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। ठीक है, यानी कि इनका जो रेशो आ रहा है वो एक सिंपल रेशो है। या फिर आप बना रहे थे बच्चों, अब तक जो हाइड्राइड बना रहे थे वो BeH2, इसमें बेरिलियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक सिंपल रेशो आ रहा है 1:2। एक होल नंबर आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है 1 और 2। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ये जो हाइड्राइड होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, इनमें हाइड्रोजन पूर्ण यानी कि कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि लैंथेनम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन 2.87 है, LaH इसमें 1:2.87, एक फिक्स रेशो नहीं आ रहा है, एक डेफिनेट रेशो नहीं आ रहा है, एक कंप्लीट होल नंबर नहीं आ रहा है।
इसी तरह यहाँ पर टाइटेनियम हाइड्राइड देखो बना हुआ है, दिख रहा है आपको टाइटेनियम हाइड्राइड। इसमें टाइटेनियम तो एक है लेकिन हाइड्रोजन 1.5 से 1.8 हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी, मतलब हम ये कह सकते हैं इनका एक कंप्लीट रेशो नहीं होता, ठीक है ना। तो 1.5 से 1.8 यहाँ पर हाइड्रोजन के अंश और हाइड्रोजन के परमाणु हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। तो इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एक कंप्लीट रेशो नहीं होता है बच्चों। इसी तरह निकिल हाइड्राइड में देखो 0.6 से 0.7 यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये बड़ा ही अजीब बात है बच्चों। तो इट वाज नॉन एज इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, इट वाज नॉन एज, इनको इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी बोला जाता था। रीज़न क्या था बच्चों? ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो ये जो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, ये हाइड्राइड जो होते हैं वो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, और क्रिस्टल लेटिस मतलब क्रिस्टल जालक बनाते हैं, और क्रिस्टल जालक में जो बीच बीच में वैकेंसियां रह जाती हैं ना बच्चों, खाली जगह, उन खाली जगहों में हाइड्रोजन ट्रैप कर लिया जाता है, ऐसा माना जाता था। तो इसीलिए इनको इंटरस्टीशियल यानी कि बीच में जो साइट होती है ना, अंतरकाशी हाइड्राइड इनको बोला जाता है, क्योंकि जो खाली जगह होती है वहाँ पर हाइड्रोजन आता है। एटम के जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, उन मेटल के पार्टिकलों के बीच में जो खाली जगह होती है उनको बोलते हैं अंतराकाशीय अवकाश। उन अवकाशों के बीच में, क्रिस्टल जालक के अवकाशों के बीच में हाइड्रोजन ट्रैप कर लिया जाता है, फंसा लिया जाता है। इसलिए ये माना जाता था इन्हें इंटरस्टीशियल यानी कि अंतराकाशीय हाइड्राइड भी कहा जाता था। ट्रांजिशन मेटल यूज एज ए कैटेलिस्ट, देखिए ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको कैटेलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, उत्प्रेरक की तरह इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ड्यू टू नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या करते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक लार्ज वॉल्यूम पैलेडियम और प्लेटिनम, अगर मैं बात करूँ Ni, Pd और Pt, इनका यूज हमने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर किया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों। तो क्योंकि ये क्या करते हैं अपनी सरफेस पर, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक लार्ज वॉल्यूम हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों इनका यूज हम एज ए कैटेलिस्ट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर एज ए कैटेलिस्ट कर सकते हैं या करते भी हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं वाटर की। अब हम अगला टॉपिक है बच्चों, हमारे हाइड्राइड यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, अगला टॉपिक है हमारा वाटर। देखिए मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि पानी जो है वो बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, चाहे हम लिविंग हों, चाहे हम प्लांट हों, या हम कुछ भी हों। जो पानी है वो कई मतलब बहुत सारे उस पानी के यूजेज हमारे डेली लाइफ में हैं, हमारे नहीं बल्कि प्लांट के भी डेली लाइफ में पानी के बहुत सारे यूजेज हैं। तो आज हम उस वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। वाटर यानी कि हम सबसे पहले इसकी खूबी पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएँ पढ़ेंगे कि पानी क्या है। देखिए मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का मेन पार्ट जो है वो वाटर से बना होता है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट में बच्चों वाटर अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी लगभग अप्रोक्स 65% वाटर से बनी हुई है। तो ह्यूमन बॉडी मेड अप अबाउट 65%, कितना परसेंट, 65% वाटर की बनी हुई है, यानी कि हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं दी है ना, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में, हर जगह बच्चों आपको पानी की क्वांटिटी मिलती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अबाउट 65% वाटर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी में, और प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी में 95% वाटर होता है, ह्यूमन बॉडी में 65% और प्लांट बॉडी में 95% वाटर होता है बच्चों। इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी सॉल्यूट, देखिए बहुत सारे सॉल्यूट के लिए ये एक गुड सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसके पीछे रीजन है बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड की वजह से मैनी सॉल्यूट जो इसके जो अदर लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों, डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए गुड सॉल्वेंट है ये कई तरीके के सॉल्यूट का।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं जल के भौतिक गुणधर्मों की, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज़ कलरलेस। बच्चों पानी का कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड। जो वाटर है वो एक कलरलेस है यानी कि रंगहीन है, टेस्टलेस यानी कि कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन है, और एक लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन मैं आपको लिक्विड के बारे में एक बात बता दूं, वाटर के बारे में, कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको तीनों फेज में अवेलेबल हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर जो है वो तीनों फेज में मिल जाएगा आपको बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है बच्चों। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसका डिस्कशन हम आपको आगे करेंगे, है ना, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल आप ये याद रखो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, दिस लीड टू हाई बीपी, PFP, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण की ऊष्मा, हाई हीट ऑफ फ्यूजन गलन की ऊष्मा, इन कंपेरिजन टू H2S एंड H2SE, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम जो हैं इनसे भी ज़्यादा वाटर का बीपी होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है, हीट फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, इन दोनों से ज़्यादा वाटर की होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का बीपी भी ज़्यादा होगा, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, हिमांक भी ज़्यादा होगा, वाष्पन की ऊष्मा भी ज़्यादा होगी, गलन की ऊष्मा भी ज़्यादा होगी, किन की तुलना में, H2S और H2SE की तुलना में। इसका रीज़न क्या दोगे, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन के कारण, ड्यू टू का मतलब कारण, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं अगला, कंपेरिजन टू अदर लिक्विड। अगर हम दूसरे द्रवों से इसकी तुलना करें, कंपेरिजन टू अदर लिक्विड, हायर स्पेसिफिक हीट, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, जो विशिष्ट ऊष्मा है पानी की, जो विशिष्ट ऊष्मा है वो दूसरे द्रवों की तुलना में क्या होती है बच्चों, हाई होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण एंड डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और परावैद्युतांक। देखिए वापस सुन लीजिए, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापीय चालकता, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण एंड डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि परावैद्युतांक, ये सारी जो भी विशेषताएं हैं बच्चों पानी की, वो अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि अन्य द्रवों की कम होती है और पानी की ये सारी चीज़ें अधिक होती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा रीजन वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनी कोवलेंट कंपाउंड, बहुत सारे सहसंयोजी यौगिक डिजोल्व इन इट, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्यों, हाइड्रोजन बंधन के कारण। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों ध्यान रखो कि हाइड्रोजन बंधन जल के अंदर पाया जाता है। मैं आपको दर्शा देता हूँ क्या होता है हाइड्रोजन बंधन, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये रहा आपका जल HOH, दिस इज़ द H2O। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं HOH, इसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं HOH, इसी तरह चौथा मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने यहाँ जल के ले लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोजन बंधन क्या होता है बच्चों। ये रहा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है, जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है, तो एक से तो कोवलेंट बॉन्ड बन ही रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ जाता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कब कब होगा, तो बच्चों ये तीन एटम के साथ होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद करने की ट्रिक है फोन, ठीक है ना, फोन घुमाओ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहाँ दिख जाएं बच्चों वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
तो देखो हाइड्रोजन बेचारा किस्मत का हमारा, एक तरफ है घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, ठीक है। यानी कि इससे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन ही रहा है, कोवेलेंट सह संयोजी बंध, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि स्थिर विद्युत आकर्षण बंध, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बंध, और यही आपका कहलाता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो बच्चों जहाँ जहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में फंस जाएगा वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी स्पेसिफिक हीट, इसका सॉल्वेशन सब इसका इंक्रीज रहता है। तो मैंने यही बताया आपको, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनी कोवेलेंट कंपाउंड, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे बच्चों, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, कि वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखी है, आपको दिख रही होगी, दैट इज़ द ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, और एक ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, ये रहे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दिख रहा होगा आपको बच्चों, ये दो लोन पेयर हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दो बॉन्ड पेयर हैं जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है, देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जो बॉन्ड बना लेते हैं दैट इज़ बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते दैट इज़ लोन पेयर। तो इस तरीके से आपको यहाँ दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ, संकरण निकालूँ ऑक्सीजन का, तो देखो लोन पेयर हैं आपके पास दो, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, ये भी दो हैं, तो टोटल कितना हो गया चार, चार के लिए sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि संकरण, कौन सा संकरण है बच्चों, sp3 संकरण है। तो sp3 संकरण टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, शुड बी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बेंट हो जाती है, विकृत हो जाती है, विकृत संरचना, मुड़ी हुई संरचना, बेंट संरचना, ठीक है। क्यों हो जाती है बच्चों विकृत, इसके पीछे रीजन है कि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन लगाते हैं, इसी तरह ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा ऑक्सीजन, इस पर एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, और ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। अब बच्चों क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन लगाते हैं, प्रतिकर्षण जिसको रिपल्सन बोलते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल्सन लगाते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल्सन लगाते हैं, तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल में, चतुष्फलकीय संरचना में बॉन्ड एंगल, बंद कोण, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। बट इस रिपल्सन की वजह से, इस प्रतिकर्षण की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है बच्चों वो हो जाता है 104.5 डिग्री का हो जाता है, ठीक है बच्चों। और बिकॉज ये बेंट हो गया इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, यानी कि विकृत संरचना, होनी चाहिए थी चतुष्फलकीय लेकिन नहीं होती, कौन सी होती है बच्चों, विकृत संरचना होती है H2O की। तो ये H2O की स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में वाटर की और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।